नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। रिपब्लिक डे पे दिल्ली में क्या क्या हुआ था, किसानों के किस गुट ने कैसे उत्पात मचाया था, धीरे धीरे हकीकत अब सामने आने लगी है। सबसे ज़्यादा जो आरोप लग रहे हैं वो दीप सिद्धू और सिधाना के अलावा जो किसान मजदूर संघर्ष समिति हैं और जिसके सतनाम सिंह पन्नू और श्रवण सिंह पंधेर, उस गुट पे लग रहा है कि इन्होंने रूट को फॉलो नहीं किया। मुकरबा चौक पे आकर के ये लोग जम गए थे और दिल्ली के अंदर घुसने की जिद कर रहे थे। हालांकि वो भी दिल्ली में ही है, लेकिन उस समय वहाँ पे ज्वाइंट सीपी एसएस यादव तैनात थे और बहुत ही सधे हुए अंदाज में वो किसानों से बातचीत करके और उनको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। जब स्थिति नहीं संभल रही थी, किसान जिद पे थे कि हम जाएंगे ही, तब इस ज्वाइंट सीपी एसएस यादव ने देखिए जय जवान जय किसान का नारा लगा करके और कैसे अपनी टीम को उत्साहित किया था कि हम रास्ते में बैठ जाएंगे, अपनी जान दे देंगे, लेकिन इनको आगे नहीं बढ़ने देंगे। रिपब्लिक डे सबका है और इसका मान सम्मान अभिमान रखना हम सबका कर्तव्य है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। शांति से इनको समझाओ वरना ये हम लोगों के ऊपर से जाएंगे, मानते हो? देखिए दिल्ली पुलिस भी इनको ये जय जवान जय किसान का नारा लगा रहे हैं। यहाँ पे किसान भी ये करे हुए हैं जिस तरीके से यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे। तो जैसा कि आपने सुना, इस जाबाज अफसर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। ये बात अलग है कि उत्पाती किसान के नाम पे घुसे हुए थे दिल्ली में और उन्होंने बात नहीं मानी। नहीं मानने का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने दिल्ली में आकर के लाल किला से लेकर आईटीओ तक उत्पात मचाया और वो लाल किला पे झंडा फहराया। अब जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस पुलिस अफसर ने और वहाँ पे मौजूद जितने पुलिसकर्मी थे, चाहे वो आईटीओ पे रहे हों चाहे दिल्ली भर में जिनकी तैनाती रही हो, उन्होंने बहुत ही संयमित तरीके से किसानों से निपटने की कोशिश की थी। उनकी कोशिश में कोई कमी नहीं थी। अब तो ये बात अलग है कि सांप निकल जाने के बाद रस्सी पीटते रही, और बहुत सारे लोग सुझाव दे सकते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाया, पुलिस ने हैवी लाठीचार्ज क्यों नहीं किया। लेकिन रिपब्लिक डे के दिन अपने ही किसानों पे पुलिस ऐसा नहीं कर सकती थी। बहुत साफ साफ निर्देश था, लिहाजा संयमित होकर के काम किया। लेकिन जो एसएस यादव ने काम किया वो काबिले तारीफ है। तो आप रहिए नबी खबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।